भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रेमा भक्ति होती है और दूसरी होती है वैधी भक्ति। दो प्रकार की भक्ति है और अधिकतर लोग, मैं कहता हूं कि हजारों में से कोई एकाध होगा जो प्रेमा भक्ति करता है, अन्यथा सभी लोग वैधा भक्ति करते हैं। वैधा भक्ति क्या है? आपने किसी की प्रेरणा से या किसी को देख करके या किसी गुरु की गुरु से गुरु मंत्र आपने लिया और आपने भक्ति प्रारंभ कर दी। आप मूर्ति पूजा करते हैं, माला जपते हैं, पाठ करते हैं, कुछ दिन तक तो बहुत उत्साह से ये चलता रहता है, आपके अंदर बहुत उमंग होती है, लेकिन धीरे 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 आपका वो उमंग समाप्त हो जाती है। अब आप एक नियम ले चुके हो तो नियम तो पूरा करना ही है। अब आप माला जपने के लिए बैठते हो लेकिन माला में गिनते हो कि कितनी जल्दी ये माला पूरी हो जाए। आपने पाठ का नियम लिया है तो ये देखते हो कि कितनी जल्दी पाठ समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं वैधी भक्ति, इसको कहते हैं कर्म वाली भक्ति। वहां कर्मकांड हो रहा है, आप केवल एक क्रिया रूप में उसको ले रहे हैं, इसको कहते हैं वैधी भक्ति। और दूसरी होती है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति कैसी होती है? वो हृदय से उत्पन्न होती है। आप यहां सत्संग में आए हैं और आपको यहां से कुछ ऐसा प्रेम मिला महादेव के प्रति कि आपका उनके प्रति हृदय इतना द्रवित हुआ कि आप इतना प्रेम जागृत हुआ कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, ना वहां कोई आलस्य है, ना वहां पर कोई समय की चिंता है, आप प्रेम करने के लिए बैठते हैं, प्रेम पूर्वक आप बैठते हैं और कब वो माला पूरी हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है, समझ लेना आपके हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय। आपको पूजा पाठ यदि बोझ लगता हो, माला कब पूरी हो जाए यदि आपके अंदर ये भाव आता हो, पाठ कब पूरा हो जाए जब आपके अंदर ये भाव होता हो, समझ लेना वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर केवल क्रिया है। और आप भले बहुत समय नहीं दे पाते हो, आप भले 10 मिनट के लिए भी ठाकुर के सामने बैठते हो, लेकिन आपका हृदय ठाकुर के चरण में उमड़ता हो, महादेव के लिए आपका सर्वस्व उमड़ता हो, तो एक घंटे बैठने की बजाय 10 मिनट बैठना भी श्रेयस्कर है। और बिना भाव के मंदिर में आप एक घंटा भी बैठे रहो, उस बैठने का भी कोई बहुत महत्व नहीं है। ठाकुर ये नहीं देखता कि आप कितनी देर बैठे, आपने क्या दिया, ये ठाकुर नहीं देखता है। ठाकुर तो ये देखता है कि तुम कैसे बैठे, ये परमात्मा देखता है, तुम्हारे अंदर के भाव कैसे हैं। जब करने में यदि आपको आनंद आता, बहुत से लोग होते ना प्रेमी, आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं, कब 7 बज गया उनको पता ही नहीं चलता है। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो यहां पर 4 बार जाकर के वहां चाय पी करके फिर कथा में आके बैठते हैं। चाय की व्यवस्था है ना पीछे कर रखी है आपने, छाछ भी है, अरे वाह, 56 भोग भी रखा देते वहीं पे, तो पिकनिक हो जाता सबका, बहुत अच्छा। तो हम प्रेमा भक्ति के साथ में चलें और जब प्रेमा भक्ति में चलेंगे तो वही प्रेमा भक्ति ज्ञान को जन्म देती है और यही ज्ञान आपको परमात्मा से मिलाने में सहायक होता है। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, भगवान शंकराचार्य ने भी इस बात को कहा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, ज्ञान के बिना आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति करना, प्रेमा भक्ति और अपरोक्षानुभूति, ये दोनों परमात्मा से मिलाने वाले में सहायक होते हैं।